नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पे। पटना के निगरानी टीम ने आपूर्ति पदाधिकारी के आवास पर की छापेमारी। बैंक खाते में 90,13,00,000 नकदी, कैश, 1 किलो सोने के आभूषण व 2.5 करोड़ के जमीनी कागजात बरामद। मुजफ्फरपुर जिले के मुसहरी प्रखंड में आपूर्ति पदाधिकारी पद पर कार्यरत संतोष कुमार के आवास हाजीपुर स्थित अंजान पीर चौक के बुढ़ा कॉलोनी अदलबारी के पास की छापेमारी। प्राप्त जानकारी के अनुसार छापेमारी निगरानी टीम की नेतृत्व निगरानी विभाग पटना के पुलिस उपाधीक्षक राजीव कुमार कर रहे हैं। आय से अधिक संपत्ति होने की सूचना पर की गई छापेमारी। निगरानी विभाग को मिली बड़ी कामयाबी। पटना के निगरानी टीम का छापेमारी में लगभग 90,00,000 रुपए बैंक में व 13,00,000 रुपए कैश बरामद, 1 किलो सोने के आभूषण, साथ ही 2.5 करोड़ की जमीन के कागजात भी बरामद कर लिया गया है। इस संबंध में निगरानी विभाग पटना के पुलिस उपाधीक्षक राजीव कुमार सिंह क्या कहते हैं, उन्हीं की जुबानी। कुमार हैं, प्रखंड सप्लाई ऑफिसर मुजफ्फरपुर में पदस्थापित है। उनके विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति का FIR दर्ज हुआ था, जिसके अनुसंधान के क्रम में उनके हाजीपुर आवास और मुजफ्फरपुर आवास में एक साथ छापेमारी चल रही है। तो यहां से लगभग 13.5 लाख रुपया कैश, 2.3 करोड़ के जमीन के पेपर और गुड़गांव, दिल्ली, नोएडा 3 जगह आवास में उनके घर मिले हैं और बैंक में 90,00,000 उनका जमा राशि अभी तक अनुसंधान में प्राप्त है। गोल्ड कितना होगा? लगभग 1 kg के आसपास सोना प्राप्त है। और कोई मार्केट वगैरह की भी जानकारी? हाँ, मुजफ्फरपुर में उनके कमर्शियल फ्लैट में 3 दुकानें उनके द्वारा लिया गया है। टोटल लगभग कितना का हो जाएगा अंदाजन कुछ? अभी मुजफ्फरपुर का तो हम दुकान का पेपर हमारे पास अभी प्राप्त नहीं है। यहाँ जो भी प्राप्त हुए हैं उसमें 2.3 करोड़ के जमीन के पेपर मिले हैं। ऑलमोस्ट टोटल कितना का होगा? अभी तक 4.5 करोड़ के आसपास हमारे अभी तक के मूल्यांकन में हाजीपुर आवास से पता चल रहा है। 4.5 करोड़ का हाजीपुर आवास से? क्या उनके अच्छा, वो क्या मतलब इनकी छापाई हो रही है? जी, इनकी छापाई हो रही है। उनका क्या बताया नाम? संतोष कुमार। क्या हुआ सर? वो प्रखंड सप्लाई ऑफिसर है सर। अपना पता दीजिए। मैं राजीव कुमार सिंह, पुलिस उपाधीक्षक निगरानी अनुसंधान।